नमस्कार दोस्तों, फ्यूजन किचन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। कद्दू, नाम तो आपने सुना ही होगा। आज हम बना रहे हैं कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी। ये बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। इसको आप पूरी के साथ खाएं या आप परौंठी के साथ खाएं, ये आपको बहुत टेस्टी लगेगी। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने कद्दू लिया है, ये आप देखिए, पीले वाला हम कद्दू ले रहे हैं, ये आप देखिए। हरे वाला हम नहीं ले रहे, हरे वाले से सब्जी टेस्टी नहीं बनती। जो हम बना रहे हैं ना खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी, इसी पेठे से बनती है, इसी का ही हम यूज़ करेंगे। इसको हम कट करके तैयार कर लेते हैं, फिर हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये आप देखिए, हमने कद्दू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसका छिलका भी हमने उतार लिया है। कई लोग छिलके के साथ भी बनाते हैं ये सब्जी, लेकिन हम बिना छिलके के बना रहे हैं। चलिए हम आगे सब्जी बनाना शुरू करते हैं। आगे सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे हमने पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। इस गर्म ऑयल में जीरा डालेंगे, ये हम डाल देते हैं। 1 टीस्पून हम जीरा ले रहे हैं और साथ ही इसमें मेथी दाना डालेंगे। 1/2 टीस्पून हमने मेथी दाना लिया है और 3 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है। एक बार मिक्स कर देते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है जीरे और मेथी दाने की। इस टाइम पे हम इसमें अदरक डालेंगे और साथ ही इसमें ग्रीन चिली डाल देते हैं। वन टेबल स्पून हमने अदरक ली थी और 3 हमने ग्रीन चिली ली है। मिक्स कर देते हैं। अदरक भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें पेठा डालेंगे जो हमने कट करके रखा है। मिक्स कर देते हैं। बहुत ही मज़ेदार पेठे की सब्जी बन रही है, खट्टी मीठी पेठे की सब्जी बना रहे हैं हम। इसको आप पूरी के साथ खाएं या परौंठी के साथ खाएं, ये आपको बहुत टेस्टी लगेगा। पेठा तो लोग खाते नहीं हैं, पेठे के नाम से लोग दूर ही भाग जाते हैं। पेठा बनाए चलो आज नहीं खाना, लेते भी बहुत कम है, लेकिन आप अगर फॉरेन में जाएंगे ज़्यादातर लोग पेठा ही खाते हैं। बहुत ही हेल्दी ये वेजिटेबल है, ये तो बहुत ही टेस्टी बन रहा है। ये जो हम सब्जी बना रहे हैं, ना ही हम इसमें अनियन का यूज कर रहे हैं, ना ही गार्लिक का और ना ही टमाटर का। इसमें हमने सिर्फ अदरक डाली है। अदरक से ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी। आप इसको जरूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। जो पेठा भी नहीं खाता वो भी खाना शुरू हो जाएगा ये सब्जी खाएगा तो। और फ्लेम मीडियम रखनी है। इस टाइम पे हम इसमें सौंफ डालेंगे, सौंफ से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 1/2 टीस्पून हम डाल देते हैं। पेठे के साथ तो सौंफ बहुत ही अच्छी लगती है। मिक्स कर देते हैं। सौंफ भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। मिक्स कर देते हैं। ये नमक भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमने इसको कवर करना है और कवर करके 5 मिनट के लिए कुक करना है। ये हम कवर कर देते हैं और फ्लेम भी हम इस टाइम लो कर देंगे और 5 मिनट तक हम इसको ऐसे ही कुक होने देते हैं। फिर 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये 5 मिनट हो गए हैं पेठे को कवर करके कुक करते हुए। अब हम इसे खोल के चेक करते हैं। खोलते ही बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। एक बार मिक्स कर देते हैं। इस टाइम पे हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। सूखा धनिया डाल देते हैं। 1 टीस्पून हम धनिया डाल रहे हैं। रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, ये भी हम 1 टीस्पून डाल रहे हैं। और 1/2 टीस्पून इसमें हम हल्दी डालेंगे और 1/4 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला डालना है। मिक्स कर देते हैं। पेठा भी काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। पानी का हमने यूज़ नहीं करना क्योंकि पेठे में अपना ही पानी होता है, अपने पानी में ये गल जाता है। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में कितना टेस्टी होगा। जो पेठा नहीं खाते इस तरह से बनाएं, आप उनको ऐसे खिलाएं, वो भी खाना शुरू हो जाएंगे। ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको दोबारा से कवर करते हैं और 10 मिनट कुक करते हैं और फ्लेम हमने स्लो ही रखनी है। अब 10 मिनट के बाद हम आपको मिलते हैं। ये 10 मिनट हो गए हैं कवर करके कुक करते हुए। अब हम इसे खोल के चेक करते हैं। बहुत ही अच्छी मसालों की खुशबू आ रही है खोलते ही। कलर भी आप देखिए कितना अच्छा आ रहा है। मिक्स कर देते हैं। पेठा भी चेक कर लेते हैं अच्छे से पक गया कि नहीं पक गया।
नाइफ से चेक कर लेते हैं। इजीली अंदर जा रही है नाइफ, इसका मतलब पेठा अच्छे से गल गया है। इस टाइम पे हम इसमें चीनी मिलाएंगे, क्योंकि खट्टा मीठा ये पेठा बन रहा है तो चीनी तो जाएगी, वैसे पेठा भी ये मीठा ही है। 2 टीस्पून के करीब हमने चीनी डालनी है। मिक्स कर देते हैं। मीठा तो हो गया, लेकिन हमने अभी खट्टा नहीं डाला, खट्टा भी हम डालेंगे अभी। बहुत ही मज़ेदार ये सब्जी बन रही है, पूड़ी के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। खट्टे के लिए हम इसमें इमली का पल्प डालेंगे, वो हम डाल देते हैं। हाफ कप हमने इमली का पल्प लिया है, मिक्स कर देते हैं। करछी से पीछे से हमने इसको ऐसे मैश करना है, हल्के से ऐसे, ज़्यादा पीसीस को हमने मैश नहीं करना, हल्का हल्का ही हमने करना है। ये आप देखिए पेठा अच्छे से गल गया है, बस हल्का हल्का ही हमने करना है। मिक्स कर देते हैं। 2 से 3 मिनट हमने इसको ऐसे ही कुक करना है। 2-3 मिनट हो गए हैं पेठे को कुक करते हुए और ये सब्जी बनके एकदम तैयार हो गई है। इस टाइम पे हम फ्लेम ऑफ करेंगे, इसमें हरा धनिया डालेंगे, इससे फ्लेवर और ही अच्छा हो जाएगा इसका। मिक्स कर देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, वो खाने में बहुत टेस्टी है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, और हमारी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।